जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली ये है आपका एनआईए और एसएसएफ में क्या डिफरेंस है इसके ऊपर। आपको पता है एसएससी जीडी की सबसे हाईएस्ट मेरिट यानी सबसे टॉप मेरिट वाला जो क्षेत्र है वो दो है, पहला है एसएसएफ और दूसरा है एनआईए। आप सभी को पता है इन दोनों की जो मेरिट रहती है सबसे टॉप रहती है हर बार एसएससी जीडी में, इसकी मेरिट के लिए हर बार मारामारी होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? पहली बात तो ये दोनों के दोनों जो जॉब है वो बहुत ही शानदार जॉब है लाड। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है और इनमें से बेटर कौन सा है वो आपको जानना है कि इनमें से डिफरेंस सबसे अच्छा जॉब कौन सा है, इनमें बड़े क्या क्या डिफरेंस है, इन जॉब की जॉब प्रोफाइल में आपको बताता हूँ दोनों में कि डिफरेंस क्या क्या है लाड में, वो क्या क्या इनमें समानता है। साथ ही एक चीज में बता दोस्तों, अगर आप ऐसा एक चीज और अगर आप अभी भी एस एस जी डी की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या नेवी एयरफोर्स किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एप्लीकेशन है कमांडो अकेडमी के नाम से, आप उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और एस एस जी डी आर्मी सभी संपूर्ण कोर्स मात्र 300 रुपये में लाड में ले सकते हो, ठीक है, कमांडो अकेडमी के नाम से। अब मैं आपको बता, देखो एस एस एफ सिक्योरिटेड सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये मंत्रालयों की सुरक्षा करती है लाड लो, किसकी? मंत्रालय यानी जितने भी जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री, कृषि मंत्री, जितने भी दिल्ली में मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों की क्या करती है लाड लो, ये सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। इनकी जो वर्दी होती है वो दिल्ली पुलिस की तरह ही वर्दी होती है, सिर्फ फर्क ये होता है कि इस पे एस एस एफ लिखा होता है और दिल्ली पुलिस के डीयू लिखा रहता है, ठीक है। पहली बात तो ये किसको सुरक्षा प्रदान करती है? मंत्रालयों को। ज्यादातर जो मंत्रालय वो कहाँ है? दिल्ली में है। और इनकी जीवन भर ड्यूटी भी कहाँ रहती है लाड लो? दिल्ली या दिल्ली जैसे ही किसी महानगर में रहती है। अगर मान लो कोई मंत्रालय दिल्ली से बाहर भी अगर कहीं बनाया जाए, मुंबई में बनाया जाए या किसी और जगह बनाया जाए, तो उस मंत्रालय की सिक्योरिटी इनके जिम्मे रहती है, तो उसकी सिक्योरिटी देखती है एसएसएफ, ठीक है। अब एनआईए के बारे में आपको बताता हूँ, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वैसे तो इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ लाड लो? दिल्ली में। लेकिन इसका मुख्यालय केवल दिल्ली में ही नहीं है, ये ऑपरेटिंग केवल दिल्ली से नहीं, दिल्ली से भी होती है, मुंबई से भी होती है, और भी कई जगह से इसकी ऑपरेटिंग होती है, यानी कई जगह से काम करती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये क्या काम करती है लाड दो? वैसे आपने नाम सुना होगा सीआईडी, सीबीआई, आईबी, और भी कई नाम सुने होंगे, उसी प्रकार है एनआईए। लेकिन इसमें और इनमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है लाड लो, इसका जो विशेष रूप से ये जो काम करती है, ये देश में बाहर से आने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए या आतंकी हलचल को रोकने के लिए, पता लगाने के लिए आतंकियों की, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। ये वो इन्वेस्टिगेशन लेती है जिसमें या तो किसी चर्च, गांजा, ड्रग, अफीम, इनके केस आते हैं, या कोई ऐसी गतिविधियां, ऐसे केस आते हैं जिनसे देश को नुकसान पहुंच सकता है, किसको? देशव्यापी, ना कि किसी चोर बाजारों का। जैसे सीबीआई, सीआईडी, इनको तो इनके जैसे विजय माल्या जैसे चोरों को भी दे दिया कि भाई इनका केस, एनआईए ऐसे केस नहीं लेती है। आपको पता है एनआईए इसकी जो वर्दी है उसके पीछे एक सिविल ड्रेस में एनआईए लिखा हुआ रहता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस जो केस हुआ, सॉरी मर्डर, जब सुशांत सिंह राजपूत की जो जब डेथ हुई थी तो उसकी डेथ की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एनआईए को लाया गया था। उसके पीछे रीजन था क्योंकि उसमें क्या था, नशीले पदार्थों का बीच में नाम आया था कि चरस, गांजा, वांजा, और इसकी पता सीधी सी इसकी स्मगलिंग कहां से होती है? पाकिस्तान से होती है। इसीलिए एनआईए इस केस में आया और उन्होंने केवल वही जांच की है, केवल ड्रग्स की इनकी, ना कि भाई ये कैसे हुआ, कैसे सुसाइड हुआ, क्या हुआ, इस पे नहीं। उन्होंने सिर्फ ये जांच की क्या इसमें जो नशीले पदार्थ है वो कहां से लाए गए थे, कैसे इसकी कड़ियां जुड़ी है, उन्होंने सिर्फ वही मिस्ट्री सुलझाई थी, ठीक है। तो एनआईए उन गतिविधियों पर काम करती है जो देश में जैसे आतंकी गतिविधियां या दूसरे देश से बाहर या आक्रमण की कोई सूचना हो उसके रूप में, और भी जो देश को नुकसान पहुंचाने वाली जो एक्टिविटी है उनकी इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? एनआईए करती है लाड दो। ये भी ज्यादातर महानगरों में ही रहती है, क्योंकि ज्यादातर जो सेंटर है वो महानगरों में। इन दोनों ही जॉब की एक खास बात है कि दोनों में फैमिली परमिशन काफी अच्छी है, दोनों में फैमिली रखने की सुविधाएं काफी अच्छी है लाड दो। इनमें जो ड्रेस है वर्दी, जैसे इनका ड्रेस कोड होता है, ज्यादातर जो एनआईए वो क्या करती है, सिविल ड्रेस ही पहनती है, और ज्यादा से ज्यादा एक कोड पहनती है सिविल ड्रेस के ऊपर जिस पे एनआईए लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वैसे इनका भी वर्दी कोड है अलग से, लेकिन ज्यादातर ये उसी में पहनते हैं। और ये एसएसएफ दिल्ली पुलिस जैसी सेम वर्दी है, उस पे एसएसएफ लिखा रहता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये तो इनके जो बेसिक है वो फर्क है। अब बात करें इनकी सैलरी की,
तो दोनों की ही सैलरी समान है क्योंकि दोनों के दोनों 21,700 पे ग्रेड में लगते हैं। दोनों का जो पे ग्रेड है वो 21,700 है, दोनों का दोनों लाड़ दो। जो सुविधाएं दोनों को गृह मंत्रालय, जैसे पूरी की जो पूरी जो सेंटर आर्मर्ड पुलिस फोर्स है वो किसके अंदर आते हैं, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के अनुसार जो सुविधाएं ऐसा सबको मिलती है वही एनआईए को मिलती है। टाइप्स ऑफ ड्यूटी दोनों की अलग अलग अलग, जो टाइप्स ऑफ इनकी जो ड्यूटी है वो दोनों की क्या है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा सब जो ड्यूटी करती है ज्यादातर जैसे दिल्ली या मंत्रालय की ड्यूटी करती है, एनआईए दिल्ली मंत्रालय से मतलब नहीं है। ऐसे कोई भी केस कश्मीर में भी ड्यूटी करती है, जम्मू में भी ड्यूटी करती है, जहां पर आतंकवादी हलचल या जहां पर ऐसा संदेशा हो कि बाहर के देश से कोई हमारे देश में एक्टिविटी होती आ रही है, तो उसके लिए क्या करती है, एनआईए काम करती है, उसकी खोजबीन करने का काम करती है, उस मिस्ट्री को सुलझाने का काम करती है। अब इसकी अब लाडलो बात करें अगर ड्यूटी की, तो टाइप्स ऑफ ड्यूटी के साथ साथ इनकी जो ड्यूटी का जो टाइमिंग है वो भी अलग अलग है। जैसे एसएसएफ है, सॉरी जैसे एसएसएफ है, इसकी ड्यूटी तो फिक्स ड्यूटी है क्योंकि मंत्रालय की सिक्योरिटी करती है, लेकिन एनआईए की ड्यूटी अलग अलग है। तो टाइमिंग दोनों का अलग अलग है। एनआईए में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ड्यूटी होती है, अलग अलग टाइम पर ड्यूटी होती है। जिस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन होगी उसी प्रकार की इसकी क्या होगी, लाड दो, उसी प्रकार की इसकी ड्यूटी होगी। अब बात करें इनकी जैसे सैलरी की हो गई है, बाकी जो सुविधाएं हैं यानी जो एनआईए में और एसएसएफ में जो सुविधाएं मिलती है वो दोनों की दोनों सेम सुविधाएं। पेंशन की सुविधा ले लीजिए, दोनों में एनपीएस है, ठीक है, दोनों में क्या है लाड दो, एनपीएस की सुविधाएं दोनों में है, न्यू पेंशन स्कीम दोनों में एनपीएस में, ठीक है, बच्चों हॉस्पिटल की सुविधा दोनों में सेम है, क्योंकि सारा का सारा ये किसके अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो हॉस्पिटल की सुविधाएं भी दोनों में क्या लाड दो, बिल्कुल सेम है। जो डिपेंडेंट बनते हैं वो भी दोनों के सेम है, वो उसमें डिफरेंस नहीं है। वो सारी की सारी सुविधाएं कहाँ से मिलती है, गृह मंत्रालय से मिलती है, ठीक है। बाकी जितनी भी सुविधाएं इनकी वो क्या लाड दूं, सेम है। बाकी सुविधाओं में ज्यादा अंतर नहीं है। जो मुख्य अंतर है वो इनकी है टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर, मुख्य रूप से इनमें अंतर पाया जाता है। जो इनकी छुट्टियों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, दोनों की छुट्टियों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, छुट्टियों में भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर है लाड दूं, ठीक है, दोनों की छुट्टियों में, एसएसएफ और एनआईए की छुट्टियों में, एसएसएफ और एनआईए की जो छुट्टियां हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है। और इसके अलावा जो रिस्क अलाउंस है, अब मैं बताऊँ रिस्क अलाउंस के बारे में कि इनमें से पेमेंट ज्यादा किसको मिलता है। बेसिक पेमेंट की तो बात होगी, तो मैं बताऊँ एसएसएफ रहता है दिल्ली में मंत्रालय की ड्यूटी करता है, तो इनको जो मिलता है वो रिस्क अलाउंस कम मिलता है, ठीक है। एनआईए का क्या है कि जिस प्रकार से इनकी ड्यूटी कहीं बाहर आती है, ऑपरेशन ड्यूटी आती है जहां पर कि ये रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर इनको जो टीडी क्या बोलते हैं इसको, टीए, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मिलता है जिससे इनकी पेमेंट अच्छी बन जाती है, जिससे इनकी पेमेंट अच्छी मिल जाती है। टीए इनको भी मिलता है, लेकिन इनको फिक्स टीए मिलता है, फिक्स टीए इनकी परमानेंट है दिल्ली में, इनको दिल्ली का जो टीए मिलता है वो फिक्स टीए मिलता है। जबकि इनका क्या है कि जितनी दूर ये अपने हेडक्वार्टर से होते हैं उतने दूर कर इनको क्या मिलता है, लाड लो टीए मिलता रहता है। और जिस एरिया में उस एरिया का टीए मिलता है, मैं आपको बताऊँ टीए सब जगह का अलग अलग होता है। जैसे कश्मीर का टीए अलग है, दिल्ली का टीए अलग है, राजस्थान का टीए अलग है, टीए वहाँ की गवर्नमेंट के बजट से आता है, तो हर जगह का टीए अलग अलग है। टीए एक साथ नहीं आता पेमेंट में, 3-4 महीने का एक साथ आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे इनमें से दोनों में से बेटर ड्यूटी किसकी है, तो लाड दो, डिपेंड करती है आपकी सोच पे। दोनों के दोनों जो ड्यूटी है, एनआईए और एसएसएफ, दोनों ही शानदार है, दोनों ही फोर्स अच्छा काम करती है। तो आपको चुनना होगा कि इनमें से आपके लिए बेटर कौन सी है, और आपने अपनी फर्स्ट चॉइस किसे दी है। मैंने तो इनके काम बता दिए कि किस प्रकार से ये काम करती है, इनकी सैलरी सेम है, थोड़ा सा रिस्क अलाउंस का फर्क रहता है, छुट्टियों में ज्यादा अंतर नहीं है, पेमेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, सुविधाएं सारी की सारी ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों के दोनों क्या है, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, दोनों के दोनों सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है। जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो गृह मंत्रालय से मिलती है, उन सभी चीजों में दोनों के दोनों सेम है। मात्र जो चेंजिंग है और टाइप्स ऑफ ड्यूटी चेंजिंग है, इनकी ड्यूटी का पैटर्न अलग अलग है लाड लो। जय हिंद, जय भारत लाड लो।